दिनांक 10/7/2022 को करीबन 4 बजे ये सूचना मिली थी हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में कि एक महिला सेलाकुई क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है। इसी सूचना पे फिर तत्काल वहाँ पुलिस पहुँची, पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें FSL हमने यूनिट को भी बुलाया था, क्योंकि उस समय इस महिला के कोई भी बेटा वगैरह वहाँ मौजूद नहीं था। तो उसके बाद जब इवनिंग में बेटा आया है तो उसको उसने ये संदेह जाहिर किया था कि मेरी मदर की मतलब संदिग्ध अवस्था में है, और उसके द्वारा फिर उसमें तहरीर दी गई थी जिस पे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें कप्तान साहब द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया जिसमें SOG भी इंक्लूड थी, क्योंकि उसका शक अपने वहीं पे एक रहने वाले एक अभियुक्त पे हुआ था। तो उसी को हमने फिर जानकारी प्राप्त की और टीम लगा के फिर उसको अरेस्टिंग की गई उसकी, जिसने पूछताछ में बताया फिर कि उसके मन में लालच आ गया था और उसे उम्मीद थी कि क्योंकि इनका घर बन रहा था तो उसे उम्मीद थी कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं, और इसने उसके एब्सेंस में जब वो पैसे निकालने की कोशिश की और उसकी मदर जग गई तो उसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी थी। और इसमें अभियुक्त जो है ये इरफान है, इसका हमने आपराधिक इतिहास भी पता किया है, तो इस पर पहले भी एक 302 का मुकदमा सहारनपुर से दर्ज है और इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। और चूंकि एक तरह से ये ब्लाइंड केस था इसलिए इसके अनावरण पर कप्तान साहब द्वारा इसमें इनाम की भी घोषणा की गई है।